हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास नाइन्थ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन EQ ट्राइंगल का मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। हुज साइड इज 8 मीटर। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 8 मीटर है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 decimal places। यानी एक ट्राइंगल दिया है जो कि इक्विलेटरल है, उसकी सारी साइड का डायमेंशन कितना है? 8 मीटर है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो कह रहा है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 decimal places तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत आसान है सॉल्यूशन, ठीक है। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि तीनों ही साइड क्या होती है? आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। ओके, अच्छा, इसका जो एरिया है उसका जो है, मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, √3/4a². ओके, जहां पर ए क्या है आपका? ए आपका जो है ट्रायंगल की साइड है। ट्रायंगल की साइड यहां पे दी हुई कितनी है? 8 है, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा √3/4 × बीच में कोई साइन, इसका मतलब क्या है? इंटू का साइन है, ये तो जाहिर सी बात है, आप सबको आना चाहिए। 8 का स्क्वायर यानी 8 का कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। फिर आप इसको 4 से रिड्यूस कर देंगे, 4 × 1 = 2 × 4 = 24, 6 बार में आंसर कितना आ जाएगा? 16 × √3 यानी 16 × √3, ठीक है। 16 × √3 का, आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। रूट थ्री की वैल्यू होती कितनी है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.732। ओके, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन सबको आता होगा, ये तो जाहिर सी बात है, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 1, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, 19 × 9 = 1, 6 × 7 = 42 और 1 = 43, 43 × 3 = 4, 6 × 1 = 6 और 4 हो जाएगा 10। ओके, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 7 = 1, 1 × 1, ओके, ये 2 हो गया, 9 और 2 = 11 हो गया, 11 के 1 carry लगा 1, 3 × 3 = 6 और 1 = 7 and 2। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे? 1, 2, 3, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 27.712 meter square। तो आपको ये जो ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड 8 मीटर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, इसको थोड़ा आप नजरअंदाज करिएगा, इग्नोर करिएगा। तो अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड 8 मीटर थी, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया √3/4a², जहां पर a की वैल्यू 8 रखा तो 64 हो गया, रिड्यूस किया 16 आया, √3 की वैल्यू रख दिया 1.732, मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? 27.712 meter square, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्यू का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज 81√3 cm², यानी यहां पर आपको एरिया दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, सीधा सीधा समझ लीजिए,
सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए एबीसी, जो किस तरह का है, इक्विलेटरल, यानी तीनों साइड क्या है आपस में बराबर है, और इसका एरिया दिया हुआ है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर पता कैसे चलेगा? जब आप इस ट्रायंगल की साइड को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? तीनों साइड को फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि तीनों बराबर है। आपको एक साइड पता चलेगी, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a² वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया आपको दिया है, कितना दिया है? 81√3 = √3/4a² ओके, अच्छा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, √3 को नीचे ले आएंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 81√3 × 4/√3 = a² मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद देखिए, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? √81 × 4। ये स्टेप सबको समझ में आया, ठीक है? ये आपका RHS में था, इसको मैंने LHS में लिख दिया। ये आपका LHS में था, इसको मैंने RHS में लिख दिया। ये हम अदला बदली कर सकते हैं LHS RHS की, इसमें जो है कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया, ठीक है? अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक क्या कर लेते हैं, साफ साफ देख लीजिए, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अच्छा, यानी ये जो ट्रायंगल दिया है इसकी एक साइड कितनी आ गई? 18 आ गई। अब जाहिर सी बात है, अगर एक साइड 18 है तो दूसरी साइड भी 18 हो जाएगी, और तीसरी साइड भी क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ए बी बी सी और सी ए तीनों कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर आ गई। हमको क्या चाहिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम फाइंड आउट क्या करते हैं? पेरीमीटर होता क्या है? किसी भी फिगर की जो बाउंड्री है उसका सम, ठीक है? इस फिगर की बाउंड्री क्या है? ए बी है, बी सी है और सी ए है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसका सम कर देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे उठाकर, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 18 + 18 + 18 कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ गया? 54। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो हमको उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है और उसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड में डायग्राम बनाएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया एबीसी। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड क्या है आपकी? बराबर है। तो हम एबी को भी ए मानेंगे तो बीसी भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और सीए भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड। इस ट्रायंगल की साइड क्या क्या है? एबी है, बीसी है और सीए है, तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में, ठीक है? किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी जो बाउंड्री है, यानी उसकी जो साइड है, उसका सम, उसका जोड़। हमने इसकी बाउंड्री या इसकी साइड को हमने जोड़ दिया। पेरीमीटर कितना दिया है? 36 दिया है। लिख लीजिए, ए बी भी ए हो जाएगा, बी सी भी ए हो जाएगा और सी ए भी ए हो जाएगा। ए मानिए, एक्स मानिए, जो आपकी मर्जी हो वो मानिए, लेकिन तीनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ए प्लस ए कितना आ गया? 3 ए आ गया, ये हो गया 36। 3 36 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/3 = a। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा, ठीक है? यानी इस ट्रायंगल की जो साइड है, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी आ गई? 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? आके लिख लीजिए कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अच्छा,
अब आपको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल की हाइट। अच्छा, एरिया तो आप निकाल लेंगे रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर लगा के, ठीक है। हाइट देखिए क्या होता है, हाइट समझ लीजिए क्या है, हाइट का मतलब है कि किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट वाली साइड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो उसको हम कहते हैं हाइट। एक बार फिर से, हाइट क्या होता है, किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और इस हाइट का भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। फिलहाल मैं एरिया बताता हूँ और हाइट भी मैं आपको बताऊँगा। एरिया क्या होता है आपका, देख लीजिए एक बार, एरिया होता है आपका रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपने अभी निकाला है 12 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, ठीक है। चाहे आप स्क्वायर कर दीजिए चाहे 12 इंटू 12 लिख दीजिए, ये आपके ऊपर है। 4 वन जा 4 थ्री जा 12, 3 जा 36, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 रूट थ्री सेंटीमीटर में है जी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है, जो भी यूनिट दी रहेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर की क्या होती है, जो भी यूनिट दी रहेगी वही रहेगी। और वॉल्यूम की क्या होती है, अभी आप आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, उसमें क्यूब हो जाता है। जैसे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। लीटर वगैरह भी होती है मीटर की, वे सब बात की बात है। तो एरिया कितना आ गया, 36 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना आंसर लीव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो रूट थ्री की वैल्यू रख के 36 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, वरना मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री की डेसिमल वैल्यू से। रूट थ्री की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 1.732। तो 36 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट है। और अगर आप इस आंसर को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अच्छा, हाइट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, क्या होता है, रूट थ्री अपॉन टू ए, ठीक है। तो रूट थ्री अपॉन टू ए क्या है आपका, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो आपको दी है 12, 2 वन जा 2 सिक्स जा, तो हाइट कितनी आ गई आपको, 6 रूट थ्री सेंटीमीटर, ओके। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको भी आप चाहें तो डेसिमल में ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल हम साइड में पहले बना लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल को नेम क्या करते हैं हमेशा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो आपकी मर्जी है वो कर दीजिए, ठीक है। इसकी जो साइड है उसका रेशियो दिया है, क्या दिया है, 3:4:5, तो हम ए बी को क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे, ठीक है। सिर्फ 3 नहीं मानेंगे, 3x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू दी है, ठीक है। बी सी को हम 4x मान लेंगे और सी ए को या ए सी को हम 5x मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे सल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है ज़रा बताइए, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम या सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज या सम ऑफ इट्स साइड ऑफ अ फिगर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जो भी बाउंड्री या जो भी साइड दी है उसको हम जोड़ दें। यहाँ पे साइड क्या दी है, ए बी बी सी और सी ए, इसको हम जोड़ दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ज़रा, ए बी बी सी एंड सी ए। अच्छा, पेरीमीटर को दिया कितना है ज़रा देखिए, 48 दिया है, कितना दिया है 48 इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे कितना दिया है 3x प्लस बी सी कितना दिया है 4x प्लस सी ए कितना दिया है 5x, ओके। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3x 4x 5x, 5 4 9 9 और 3 12,
कितना हो जाएगा 12x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/12, 12 1 12, 4 x की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा बताइए, x की वैल्यू आ गई 4, कितनी आ गई 4। अच्छा मेरी बात समझिएगा, x की वैल्यू 4 आई है, ठीक है, लेकिन अभी हमको साइड नहीं पता चली है, साइड कैसे पता लगाएंगे ज़रा मुझको आप बताइए, साइड हम कैसे पता लगाएंगे ज़रा देखिए। अच्छा ए बी, ए बी आपको क्या दिया है ज़रा देखिए, ए बी आपको क्या दिया है 3x दिया है, 3x यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई है ऊपर 4, तो ये हो जाएगा 12। मेरी बात समझिएगा, बी सी आपको कितना दिया है, बी सी दिया है आपको 4x, यानी हो जाएगा ये 4 × 12, ये कितना आ जाएगा 48। और आपको सी ए कितना दिया है ज़रा बताइए, एक मिनट, सॉरी 4 × x की वैल्यू क्या है, ये 4 आई है ना, 12 नहीं है, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 जा कितना हो जाएगा ये 16। सी ए आपको कितना दिया है 5x, x की वैल्यू क्या आई है 4, तो ये हो जाएगा 5 × 4, ये हो जाएगा 20। ए बी आ गया 12 सेंटीमीटर, बी सी आ गया 16 सेंटीमीटर, और सी ए आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके इतना सा क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखिए, अब आपको एक ट्रायंगल में तीनों साइड पता चल चुकी है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। सर किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूले से, जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर का मतलब इसका जो पेरीमीटर दिया है इस ट्रायंगल का उसका आधा। अच्छा इसका पेरीमीटर हमें यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया है 48, तो ये हो जाएगा 48/2, पेरीमीटर 48 है, हमको चाहिए एस यानी सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 24 जा, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 24। एरिया क्या होता है, एरिया होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके अच्छा तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एस की वैल्यू क्या है 24 है, तो ये जाएगा 24 × 24 माइनस, ए क्या हो जाएगा, ए आप कोई एक साइड को ले लीजिए 12 हो जाएगा, इंटू एस यानी 24 माइनस, बी आप कोई दूसरी साइड को ले लीजिए, तो दूसरी साइड क्या दी आपको यहाँ पे 16 दी है, फिर 24 माइनस, सी आप जो है तीसरी साइड को ले सकते हैं। ओके ए बी सी क्या होता है यहाँ पे, ए बी सी जो है वो आपके ट्रायंगल की साइड होती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 × 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेगा, 24 में से 8 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ओके अच्छा इसके बाद देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, फिर दो दो का पेयर बनाइए, उसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट बड़े नंबर में तोड़ लीजिए, बड़े नंबर कैसे ज़रा देखिए, 24 को हम लिख सकते हैं 12 × 2, 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है इसको हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर बन गया, एक तो आपका 12 का पेयर बना और एक किसका बना 4 का बना, और एक किसका बना 2 का भी बन गया, आप इसको निकाल लीजिए, 12 का बना 4 का बना 2 का बना, आंसर कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96, यूनिट किस में दी थी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ट्रायंगल है इसका आंसर कितना आ जाएगा एरिया का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट, ठीक है यहाँ ट्रायंगल नहीं है ट्रायंगुलर था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया।
टेक रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या किया है आपको रेशियो बदल दिया गया है, यानी आपको एक ट्रायंगुलर प्लॉट दिया है, समझ लीजिए सीधा सीधा ट्रायंगल दिया है आपको एबीसी, इसकी साइड का रेशियो कितना दिया है जरा देखिए 3.57, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पैरीमीटर होता क्या है, पैरीमीटर इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किसी भी फिगर का अगर पैरीमीटर हमको निकालना है या खास तौर पर ट्रायंगल का निकालना है तो उसके तीनों साइड को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, उठा के हमने जोड़ दिया। पैरीमीटर आपको दिया कितना है 300 मीटर, कितना दिया है 300, ए बी कितना है 3x है, बी सी कितना है 5x है, सी ए कितना है 7x है, इसको जोड़ेंगे 7, 5, 12 और 3, 15, तो ये हो जाएगा 15x और इधर हो जाएगा 300, 15 जो है 300 के अपॉन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात, हमें अभी x की वैल्यू पता चली है, तीनों साइड पता नहीं चली है, ठीक है। ए बी आपको दिया कितना था जरा देखिए, ए बी आपको दिया कितना था, दिया था 3x, यानी 3 इंटू एक्स करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। BC आपको कितना दिया है ज़रा देखिए 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। CA आपको कितना दिया है, CA कितना दिया है 7x, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 7x दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 140 मीटर। इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता चल चुकी है, अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हेरोंस फार्मूले का। हेरोंस फार्मूले में पहली चीज़ की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हेरोंस फार्मूले में पहले हम क्या निकालते हैं, या सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है सेमी पैरीमीटर, यानी ट्रायंगल के पैरीमीटर का आधा। ट्रायंगल का पैरीमीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है 300, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 150 मीटर आएगा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू होता क्या है हेरोंस फॉर्मूले में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस इज द सेमी पैरीमीटर, ओके। अच्छा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कितना है 150 इंटू 150 माइनस एक ही जगह क्या रखेंगे 60 रख देंगे, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और क्या करेंगे हम ब्रेक कर लेंगे बाद में, बी की जगह 100 रखेंगे और सी की जगह क्या रखेंगे ज़रा बताइए मुझको, सी की जगह हम क्या रखेंगे 140 रखेंगे, ओके। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 150 इंटू 150 में से जब 60 माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 90, 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आएगा 50 और 150 में से जब आप 140 माइनस करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, देखिए अब इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा क्या होगा कन्फ्यूजन होगा, देखिए क्यों कन्फ्यूजन होगा ज़रा मेरी बात समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 15, मेरी बात समझते चलिएगा आपको आंसर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5 और ये ऑलरेडी क्या है 10 है। अब देखिए क्या आपको 10 का पेयर दिखा, बिल्कुल दिखा सर, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो एक 10 यहाँ से बाहर आएगा और एक 10 यहाँ से बाहर आएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा है देखिए, अंदर अभी भी कुछ बचा है 15 बचा है, 9 बचा है और 5 बचा है, ठीक है। इस 15 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 इंटू 3, समझिएगा, ठीक है। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इस 5 को एज इट इज़ हम लिख देंगे, ओके। अच्छा, यहाँ से देखिए एक पेयर 3 का बाहर आ जाएगा और एक पेयर किसका आएगा 5 का बाहर आएगा, तो देखिए ए की वैल्यू आ कितनी जाएगी 10 इंटू 10, 5 बाहर आया 3 बाहर आया, लेकिन एक 3 अभी भी अंदर है तो वो अंडर रूट में ही
रह जाएगा। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कॉमा लगा के। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, समझिएगा मेरी बात, 10 × 10 × 5 × 3 कितना आ जाएगा, 10 × 10 = 100, 100 को और 5 × 3 = 15, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1500 आएगा, कितना आएगा 1500 इंटू, और रूट थ्री की वैल्यू हमें क्या इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे दी हुई है देखिए 1.732, अगर नहीं भी दी रहती तो हम डेसिमल एक्सपेंशन हमको पता होना चाहिए रूट थ्री का, कितना दिया है 1.732, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वक्त को बचाने के लिए मैं इसको जल्दी से कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ठीक है, 1500 × 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2598, कितना आया आपका 25, या तो एक काम करिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सर इतना बड़ा कैसे करेंगे, तो देख लीजिए कैसे करेंगे, पॉइंट हटाए नीचे कितना बढ़ाएंगे, 3 0 बढ़ा दिया, ठीक है, अब सही है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, अब ठीक है, 5 से काटिए, 5 3 ज़ा समझ में आया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा समझ में आया, अब 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 और 3 6 बार में 12 जाएगा, फिर 1 और 2 फिर 6 बार में जाएगा, 866 को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे कर लीजिए, 866 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, 2598, लेकिन ऐसे क्या है आपको आसानी से आ गया, और यूनिट क्या दी है, मीटर दी है, तो एरिया हो जाएगा 2598 मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहली चीज आपको ये पूछा है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका फिलहाल सेकेंड पार्ट अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है काफ़ी आसान है, देख लीजिए। कह रहा है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पहली चीज क्या दी हुई है आपको, ट्रायंगल, देख लीजिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रायंगल क्या दिया है आपको, ए बी सी, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, दिया कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके उसके बाद क्या कह रहा है, एंगल ए कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, एंगल ए कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अच्छा किसी भी ट्रायंगल में जब यहाँ पे 90 डिग्री कह दिया है, किसी भी ट्रायंगल में आपको बता दिया है कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, और आपको उस ट्रायंगल की दो साइड दे दी है, क्या दे दी है, दो साइड दे दी है, तो आप तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे दो साइड गिवन है और एक साइड क्या हो, ना पता हो। अच्छा देख लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो बार लिख दिया, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी बाय अप्लाइंग पीटी, क्या पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैं काफी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, समझिएगा थोड़ा सा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर ये हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर होता क्या है, देख लीजिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है,
एच यानी हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है, और ये दोनों साइड क्या कहलाती है, एक को आप बेस मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, परपेंडिकुलर मान लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको भी हम बेस मान सकते थे, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स्ड होगा। हाइपोटेनस किसे कहते हैं, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड को। हाइपोटेनस देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, जाहिर सी बात है BC तो है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, समझिएगा थोड़ा सा, इज इक्वल टू बेस कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32, स्क्वायर हटेगा BC के ऊपर से और क्या लग जाएगा 32 पे, अंडर रूट 32 का आप साइड में निकाल लीजिएगा, दो दो का पेयर बना के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना आप सबको आना चाहिए इस लेवल पर आके, 32 को जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 अंडर रूट 2, BC की वैल्यू कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ओके, अच्छा। उसके बाद कह रहा है हमको कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमको ये चीज़ पूछा नहीं था लेकिन हमने निकाल दिया क्योंकि इसकी आगे क्या है ज़रूरत पड़ेगी, हमसे पूछ रहा है कि ABC ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, समझिएगा ABC ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया का आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है इसी चैप्टर में, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब समझिएगा मेरी बात, अब कुछ बच्चे क्या होंगे कहेंगे सर हमको इस ट्रायंगल में तीनों साइड पता चल चुकी है तो हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, आप भी सही हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा उससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हमें जाहिर सी बात है मैथ में होता क्या है, टाइम बचाने के लिए हम छोटे छोटे कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिक यही कहती है कि अगर हम इस ये वाला एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। सर क्यों आसान होगा, देखिए पहली बात तो ये वाला ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये जो हाफ बेस इनटू हाइट है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर, तो देख लीजिए इसका इस्तेमाल हम वहीं करते हैं जहाँ भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बने यानी एंगल बने। एक बार फिर से, हाफ बेस इनटू हाइट वाले ट्रायंगल के फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर, इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो, ठीक है, अच्छा, क्या हो जाएगा, हाफ बेस आप 4 को ले लीजिए और हाइट भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, अच्छा हाइट और हाइपोटेनस में कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, हाइट है, ठीक है, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, तो एरिया कितना आ गया आपका, एरिया यहाँ पे आपको कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हमने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, हाफ बेस इनटू हाइट का, बेस यहाँ पे कितना है 4 है, हाइट क्या है वो भी 4 है, सर 4 तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के 3 नाम होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर कह लीजिए चाहे हाइट कह लीजिए और चाहे एल्टीट्यूड कह लीजिए, एक बार फिर से परपेंडिकुलर के 3 नाम होते हैं, चाहे परपेंडिकुलर कहिए चाहे हाइट कहिए चाहे एल्टीट्यूड कहिए, ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड लफ्ज़ है ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब वगैरह वगैरह, तो इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया तो पता चल गया, लेकिन अब जो है आपसे सबसे अच्छी चीज़ पूछा है इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन से अलग बनाती है, मुख्तलिफ बनाती है, क्या है, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, समझिएगा मेरी बात, कह रहा है अगर हम A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो उस परपेंडिकुलर की इसको लेंथ चाहिए। एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है ये, कि अगर हम A से BC पर एक परपेंडिकुलर बना दें, इसको मान लीजिए AD मान लीजिए, तो इस AD की इसको लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, इस AD की इसको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है बेसिक सा, अच्छा अब समझिएगा,
चाहे आप बेस एसी को लीजिए और हाइट एबी को लीजिए, समझिएगा मेरी बात, चाहे आप बेस एसी को लीजिए और हाइट एबी को लीजिए तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। और अगर आप बेस बीसी को लीजिए या हाइट एडी को लीजिए तो भी आंसर 8 ही आएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल तो है, चाहे आप इसको बेस लीजिए और इसको हाइट लीजिए तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। आंसर कितना आया एरिया का? 8 आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप चाहे बेस बीसी लीजिए और हाइट एडी लीजिए तो भी आंसर इसका 8 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप मान लीजिए, समझिएगा मेरी बात, अगर आप जो है बेस एसी को लेते और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते बी से और उसको हाइट मान लेते तो भी इसका आंसर कितना आता? तो भी इसका आंसर पलट के 8 ही आता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पता कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हाफ। बेस यहाँ पर किसको लेना है? बीसी को लेना है। बीसी अभी कुछ देर पहले हमने निकाला है, कितना है? 4 अंडर रूट 2 इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे कितनी है? एडी है। कितनी है? एडी है। ये कितना दिया है आपको? 4 अंडर रूट 2, 2 वन जा 2, 2 जा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 2 अंडर रूट 2 8 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 वन जा 2, 4 जा, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई? 4 अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो एडी की वैल्यू है ये कितनी आ गई? 4 अंडर रूट 2। अब इस 4 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 2, समझिएगा मेरी बात, है बहुत आसान, बस आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ कर रहा है। समझ लीजिए एक बात, एडी क्या आया है? 4 अपॉन अंडर रूट 2, 4 को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया? 2 इंटू 2। अब इस 2 इन दो 2 में से, एक बार फिर से, ये जो यहाँ पे दो 2 दिए हैं इसमें से एक 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। पहले वाले को ब्रेक कर देंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2, 2 एज इट इज़ रहेगा और अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में रहेगा अंडर रूट 2, ओके। अच्छा इसके बाद देखिए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया? एडी की वैल्यू आ गई 2 रूट 2 एंड दिस सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, शुरुआत से बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। चाहे आप बेस एसी को लें और हाइट एबी को लें तो भी आंसर कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगर आप चाहे बेस बीसी को लें और हाइट एडी को लें तो भी पलट के आंसर कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सर क्यों? क्योंकि फिगर तो भैया सेम है ना, फिगर कहाँ बदला, आपने बेस और हाइट बदल दिया है, 8 रखा हाफ रखा, ठीक है, बेस की जगह बीसी रखा, बीसी की वैल्यू क्या है आपकी? 4 रूट 2, 4 रूट 2 रखा इंटू हाइट क्या हो जाएगा बीसी के अलॉन्ग? एडी, यहाँ पे एडी रख दिया, 2 वन जा 2, 2 जा 8 अपॉन 2 रूट 2 जो है 8 के अपॉन में आ गया, 2 वन जा 2, 4 जा, एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन रूट 2, 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, उसके बाद इन दो 2 में से एक 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 में ब्रेक कर दिया, ये पहले वाले को, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 2 रूट 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।